आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के लिए वो टेंजेंट बन जाए लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेता हूँ। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम माइनस टू माइनस थ्री फाइव माइनस जीरो एक्स माइनस एक्स वन, कितना आ गया मेरे पास में यहाँ पे 5y प्लस 10, 5y प्लस 10 या ऐसे करो y प्लस 2 माइनस 5/5 इंटू में एक्स माइनस फाइव। तो माइनस तो ये माइनस वन हो गया, तो y प्लस 2 का वैल्यू कितना हो गया माइनस ऑफ एक्स प्लस फाइव हो गया। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आ गया कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 3 आई। तो अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो यहाँ से क्या करो आप y का वैल्यू निकाल दो, y का वैल्यू कितना होगा 3 माइनस एक्स होगा, y का वैल्यू कितना होगा 3 माइनस एक्स, यहाँ पे पुट कर दो y की जगह 3 माइनस एक्स। तो जैसे ही आप y की जगह 3 माइनस एक्स पुट करोगे 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना हो रहा है c हो रहा है, तो 3x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू में c। तो 3x माइनस एक्स कितना हुआ 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो नेगेटिव कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। नेगेटिव कॉमन ले लिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस सी। अब देखो ये जो लाइन थी ना, ये टेंजेंट थी इस कर्व के लिए, तो इस क्वाड्रेटिक का जो डी है ना वो जीरो आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी क्या होना चाहिए जीरो। तो 1 माइनस सी प्लस 3 इक्वल टू में जीरो। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट।